हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे स्ट्रिंग पे और स्टोरेज ऑफ स्ट्रिंग पे, क्योंकि स्ट्रिंग स्टोरेज कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनका थ्योरी लेक्चर्स ऑलरेडी लिया जा चुका है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं कि स्टोरेज ऑफ स्ट्रिंग पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सॉल्व प्रॉब्लम्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन स्टोरेज ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग कैसे स्टोर करते हैं ये चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, हमने कहा कि इसे क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, आप सुन लीजिए कि लेट डब्ल्यू बी द स्ट्रिंग ए बी सी डी। मान लीजिए W कोई स्ट्रिंग दिया है ए बी सी डी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ W, सेकेंड पार्ट है लिस्ट ऑल सब स्ट्रिंग्स ऑफ W, और थर्ड हमें निकालना है लिस्ट ऑल द इनिशियल सब स्ट्रिंग्स ऑफ W। यानी हम इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। पहला क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ W। सेकेंड पार्ट क्या है कि लिस्ट ऑल सब स्ट्रिंग्स ऑफ W, लिस्ट ऑल सब स्ट्रिंग्स ऑफ W, और थर्ड जो है वो ये है कि लिस्ट ऑल द इनिशियल सब स्ट्रिंग्स ऑफ W। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए W क्या दिया हुआ है। W हमने आपको पहला पार्ट देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ W, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कि नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं W में, ए बी सी डी चार करेक्टर है, तो लेंथ ऑफ W इस कितना आ गया, लेंथ ऑफ W सीधा सीधा आ गया चार। अब आ जाइए बी पार्ट पे, लिस्ट ऑल सब स्ट्रिंग्स ऑफ W। अब W के जो सबस्ट्रिंग्स बनेंगे वो आप कैसे बनाएंगे, कि देखिए वो आप इस तरह बनाएंगे, जैसे इसमें आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपने यहाँ लिखा सबस्ट्रिंग्स और यहाँ आपने लिखा लेंथ। अब देखिए चार करेक्टर हैं इसमें, तो सबस्ट्रिंग्स कौन कौन सी बन सकती है, चार करेक्टर की बन सकती है, तीन की भी बन सकती है, दो की भी बन सकती है, एक की भी बन सकती है, और जीरो तो एम्प्टी स्ट्रिंग होती ही है। ठीक, तो ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे हम सिंबल से दिखाते हैं इस तरह, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग तो होगी होगी सब स्ट्रिंग, ये सब में ही होगी। ठीक, अब आ जाइए चार करेक्टर की, तो ये तो सीधा सीधा यही सब स्ट्रिंग हो गया इसका। अब आ जाइए तीन करेक्टर की, तो तीन करेक्टर में आपके कई कॉम्बिनेशन निकलेंगे, जैसे आपने बनाया ए बी सी, फिर आपने बनाया बी सी डी, ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे दो करेक्टर के आप बनाएंगे, तो ए बी हो गया, नेक्स्ट इज बी सी हो गया, नेक्स्ट इज सी डी हो गया, तीन ये हो गया। ठीक, और एक करेक्टर का आप बनाएंगे तो ए बी सी और डी, तो यानी टोटल सबस्ट्रिंग्स कितने आ गए डब्लू के, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन पांच कैसे, हाँ दो एक तीन और तीन छः, और छः चार दस, और दस और एक एम्प्टी स्ट्रिंग 11, तो इतने सबस्ट्रिंग बनेंगे इसके। दो ये हो गए, तीन ये हो गए, चार ये हो गए, और एक ये है ये, तो एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार दस, और दस और एक 11, तो टोटल यहाँ पे टोटल 11 सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है। ठीक, अब आ जाइए सी पार्ट, क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द इनिशियल सबस्ट्रिंग्स ऑफ W। अब ऑल द इनिशियल सबस्ट्रिंग्स ऑफ W का मतलब ये हुआ, जैसे W आपका ए बी सी डी शुरू हुआ, तो
मतलब पहले शुरू से आप लीजिए उसको। तो पहला एक ए सबस्ट्रिंग तो हो गया ए बी सी डी। दूसरा आप क्या बना सकते हैं, ए बी, क्योंकि इनिशियल करेक्टर ही रखना है। तीसरा आप बना सकते हैं ए बी, सॉरी ए बी सी, और तीसरा हो गया ए बी, फिर एक करेक्टर का केवल ए हो गया, और फिर एम टी स्ट्रिंग हो गया। एम टी स्ट्रिंग हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब कि इनिशियल सबस्ट्रिंग वाले कितने सबस्ट्रिंग बना से, 1 2 3 4 5, ठीक। क्योंकि देखिए, बोथ द एम्प्टी स्ट्रिंग एंड दो सबस्ट्रिंग्स दैट बिगेन विद ए, मतलब इनिशियल सबस्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि एक तो एम्प्टी सबस्ट्रिंग तो रहेगा ही रहेगा, बाकी वो सारे सबस्ट्रिंग रहेंगे जो ए से शुरू हो रहे हैं। तो ए बी सी डी ले लिया हमने, ए बी सी ले लिया, ए बी ले लिया और ए ले लिया, तो टोटल ये आपके 5 सबस्ट्रिंग आएंगे। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अब इसको क्वेश्चन को आप सुन लीजिए, इसको लिखेगा नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है कि अज्यूमिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेज एटलीस्ट 48 कैरेक्टर्स। अब 48 कैरेक्टर्स में 26 लेटर्स, 10 डिजिट्स एंड ए मिनिमम ऑफ 12 स्पेशल कैरेक्टर्स। गिव द मिनिमम नंबर एंड द यूजुअल नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो टोटल कैरेक्टर कितने हैं, इसमें टोटल कैरेक्टर दिए हुए हैं कोई भी लैंग्वेज के 48 कैरेक्टर हैं। तो अगर 48 कैरेक्टर हैं तो आपको कितने बिट का कोड चाहिए होगा, तो आपको 2 की पावर में आप देखिए, तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, और 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। तो ये उन दोनों के बीच में है, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 2 की पावर 5 बट लेस देन 2 की पावर 6, ये है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 6 बिट कोड इज रिक्वायर्ड। क्यों, टू रिप्रेजेंट 48 कैरेक्टर्स। 48 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 6 बिट चाहिए होंगे। 5 लोगे तो आप 32 के बाद के वाले छूट जाएंगे, ठीक। जनरली कंप्यूटर क्या करता है, यूजुअली ए कंप्यूटर यूजेज ए 7 बिट कोड सच एज आस्काई कोड। कंप्यूटर क्या करता है, या तो आस्की कोड यूज करता है, ASCII, आप सबको पता होगा ये, इसका फुल फॉर्म भी पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जनरली कंप्यूटर क्या करता है, आस्की 7 बिट कोड यूज करता है, या EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटीजर कोड, ठीक। ये हो गया आपका EBCDIC कोड। ये कितने बिट का कोड होता है, ये होता है 8 बिट का कोड। तो कंप्यूटर या तो ये आस्की यूज करता है या EBCDIC यूज करता है करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे फायदा क्या होता है कि दिस अलाउज मेनी मोर स्पेशल करेक्टर्स टू बी रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसेस बाई द कंप्यूटर। क्योंकि यहाँ तो हमारा 6 बिट तक में ही काम हो जा रहा था, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बिट बचेगा, या यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 बिट बचेंगे, वो और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह में यूज हो जाते हैं, को रिप्रेजेंट करने में काम आ जाते हैं, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है वो हमको फाइंड आउट करनी है, स्ट्रिंग कैसे स्टोर्ड है वो आप देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको हम करते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ऐसे स्टोर है, इस तरह, इधर हो गया कैरेक्टर, इधर हो गया लिंक, ठीक। और ये जो स्ट्रिंग स्टोर है आपकी, मान लीजिए ये 1 से 12 तक हम इसको दें,
तो सपोज कीजिए पहले हमने इसको डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको ये दो ये तीन में, अब इस तीन में हम कितने करें, तीन तीन खाने कर दें, ये हो गया। क्योंकि हमें टोटल 12 वैल्यूज डालनी है ना। चलिए थोड़ा सा ये अब इसमें स्टोर क्या है ये आप लिखिए। मान लीजिए यहाँ तो मैंने डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये स्ट्रिंग इस तरह स्टोर है। अब यहाँ पे अंदर डेटा जो स्टोर है वो आप लिखिए। यहाँ लिखा है OYF, O Y स्पेस दे के F, यहाँ लिखा है 10, फिर यहाँ लिखा है ING 7। अभी तो ये मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ आपको, थर्ड वाला एलिमेंट खाली है। फोर्थ में लिखा है ATH, यहाँ लिखा है 2, फिर फिफ्थ वाला खाली है, फिर छठे में लिखा है ER.0, फिर सेवेंथ में है OF B और 11, फिर AJ, ये है 1, फिर ये छोड़ दिया, ब्लैंक पड़ा है। फिर लिखा हमने ऑरिव, OREV, ऑरिव 6 हो गया। फिर हमने लिखा ईयूट, EAUT, ये आ गया 12। फिर है यहाँ पे वाई इज, ये हो गया आपका 8। अब कोई भी स्ट्रिंग इस तरह स्टोर है और उसमें ये दिया हुआ है कि अज्यूमिंग द लिंक वैल्यू 0 सिग्नल्स द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर लिंक वैल्यू 0 आ जाएगी इसका मतलब कि एंड ऑफ लिस्ट हो गया। अब स्टार्ट कह रहा है 4 से, यानी यहाँ हमने दिया 4, यहां से कह रहा है स्टार्ट लेना है आपको, ठीक है। यहां से स्टार्ट लेना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें कौन सी स्ट्रिंग स्टोर है वो हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, हियर द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन ए लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर विद 4 कैरेक्टर्स पर नोड। तो इसमें पहले अब तो लिंक लिस्ट जो है, अरे जो स्ट्रिंग है वो लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर की गई है और हर नोड पे 4 कैरेक्टर स्टोर है, ठीक है। अब क्या कह रहा, द वैल्यू ऑफ स्टार्ट गिव्स द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। तो फोर्थ, यहां से आप शुरू करेंगे तो स्टार्ट पे हमारे पास क्या आएगा, स्टार्ट पे हमारे पास आ जाएगा 4। चौथा वाला नोड में क्या है, आप यहाँ लिखिए, चौथे वाले में है ATH और यहाँ दिया उसके 2। फिर तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग को स्टोर किया गया है वो लिंक लिस्ट फॉर्म में, तो आपको क्या करना है कि आपको देखिए जैसे ये स्टार्टिंग नोड 4 है, तो आपने यहाँ आपको जो फाइनल रिजल्ट आना है वो आपने यहाँ लिखा, सपोज कीजिए ए फिर स्पेस दे के TH, उसके बाद यहाँ से 2 का मतलब नेक्स्ट नोड आपको 2 पे जाना है। अब मैं यहीं से आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए यानी अब यहाँ के बाद जब हम 2 पे जाएंगे, यहाँ पे ये क्या है ING, तो इसी में हम यहाँ पे बढ़ा देंगे ING। चलिए मैं इसी पेन से करता जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ING ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमें जाना है नोड 7 पे। अब आ जाएंगे यहाँ के बाद नोड 7 पे, यानी कायदे से तो इसको यहाँ से दिखाना चाहिए था ऐसे लिंक लिस्ट के हिसाब से। ये अब यहाँ पे क्या है OF B, तो हमने यहाँ लिखा OF B, ठीक। अब इसके बाद जाना है नोड 11 पे,
तो अब यहां से आप जाइए नोड 11 पे, मतलब कायदे से ये इधर से जाना चाहिए हम लोगों को, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है EAUT, ठीक है ना, EAUT। तो यहां पे आप लिख दीजिए EAUT, उसके बाद 12 पे जाना है, तो यहां से 12 पे गए, यहां क्या है वाई इज, तो यहां पे हमने लिखा वाई, फिर स्पेस देके है इज, ठीक। उसके बाद नोड नंबर 8 पे, तो अब आप आ जाइए 8 पे, सपोज कीजिए हम गए ये 8 पे, क्या है एजे, ठीक है, ए फिर स्पेस है फिर जे, तो हमने कहा ए फिर स्पेस देके जे, फिर उसके बाद 1 पे जाना है, तो 8 के बाद हम यहां से गए 1 पे, ये 1 है ना, ओ वाई, तो हमने यहां लिख दिया ओ वाई, फिर यहां से जाना है हमको 10 पे, तो 10 पे आप आइए इधर से, अभी काफी ज्यादा ये कंजस्टेड होता जा रहा है लेकिन समझते जाइए, यहां से आप आ गए 10 पे, ओ आर ई वी, ठीक है ना, तो नहीं, जॉय के बाद कहाँ, यहाँ पे 10 पे जाना था आपको, तो 10 पे अगर आप आएंगे तो 10 पे क्या है और ई वी, अच्छा तो यहाँ पे लिखेंगे और ई वी, अच्छा ओ वाई का हमने एफ नहीं लिखा अभी, तभी तो गड़बड़ हो रही थी, यहाँ हम लिखेंगे एफ, ठीक। अब यहां से आप आएंगे 10 पे, तो 10 से आप आ गए यहाँ पे, तो आर ई वी, ओ आर ई वी, इसके बाद नोड नंबर 6 पे, 6 पे आप जाएंगे तो ये आ गया आपका ई आर, और फिर फुल स्टॉप, तो 6 नंबर यहां से आप चले जाइए, चलिए यहीं से पास करा दे रहे हैं, ये हो गया ई आर और फुल स्टॉप, देखिए। और उसके बाद जब 6 पे आप जाएंगे उसके बाद ये आ गया 0, 0 का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कहीं 0 कहीं जाने का नहीं है ना, तो वही चीज क्वेश्चन बताया था शुरू में कि द लिंक वैल्यू 0 सिग्नल्स द एंड ऑफ द लिस्ट, जब यहाँ 0 आ गया इसका मतलब यहाँ लिस्ट एंड हो गई, अब और कहीं नहीं जाना है, तो अब देखिए क्या स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर था, ये सामने आ गया आपके, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं लिंक लिस्ट की फॉर्म में, लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर में, और कैसे उसको रिट्रीव करना है वो भी हमने आपको बता दिया, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है इसमें न्यूमेरिकल्स में तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा, और एक आध न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, सपोज मेंबर इज ए करेक्टर वेरिएबल विद फिक्स्ड लेंथ 20, यानी मेंबर जो है MEMBER ये एक करेक्टर वेरिएबल है जिसका फिक्स्ड लेंथ कितना दिया हुआ है 20, अज्यूम ए स्ट्रिंग इज स्टोर्ड लेफ्ट जस्टिफाइड इन ए मेमोरी सेल विद ब्लैंक स्पेसेस पैडेड ऑन द राइट और विद द राइट मोस्ट कैरेक्टर ट्रंकेटेड, ठीक है, मतलब कहा है कि स्ट्रिंग को स्टोर करना है लेफ्ट जस्टिफाइड इन ए मेमोरी सेल विद ब्लैंक स्पेसेस पैडेड ऑन द राइट और विद द राइट मोस्ट कैरेक्टर ट्रंकेटेड, डिस्क्राइब मेंबर इफ जॉन पॉल जोन्स इज असाइंड टू मेंबर, अच्छा ये इसकी फिक्स लेंथ दिया हुआ है, इसने फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग है और 20 लेंथ डिफाइंड है, तो अब इसमें पार्ट ए में वो क्या कह रहा है कि
जॉन पॉल जोन्स इज असाइन टू मेंबर, यानी इसको हम ये स्ट्रिंग दिया है जॉन पॉल और जोन्स, इसको हमें मेंबर में दिखाना है। तो पहले आप क्या कीजिए, आप 20 करेक्टर का आप ये बना लीजिए स्ट्रिंग, उससे आसानी रहेगी समझने में। ये है मान लीजिए, ये है मेंबर, ठीक। अब इसको 20 करेक्टर में डिवाइड करना है, तो सपोज कीजिए हमने 10 किया, फिर ये आधा करेंगे, पाँच पाँच का हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो फिक्स लेंथ जो 20 है, ये 20 कैरेक्टर की हमने मेंबर की स्ट्रिंग बना दी। अब इसमें अगर इसको हमें सेव करना है, तो देखिए उसने क्या दिया था, अज्यूम ए स्ट्रिंग इज स्टोर्ड लेफ्ट जस्टिफाइड इन ए मेमोरी सेल विद ब्लैंक स्पेसेस पैडेड ऑन द राइट और विद द राइट मोस्ट कैरेक्टर ट्रंकेटेड। मतलब यहाँ से हम एंट्री करनी शुरू करेंगे, तो देखिए ये कैसे, जॉन पॉल जोन्स, तो हमने पहले JOHN ये हो गया, फिर स्पेस है बीच में, फिर हमने लिखा PAUL जॉन पॉल, और फिर हमने लिखा जोन्स JONES। तो पहले में तो ऐसे स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए बी पार्ट में, वो क्या कह रहा है कि इफ रॉबर्ट एंड्रू वॉशिंगटन इज असाइन टू मेंबर। अब कौन सी स्ट्रिंग असाइन हुई है, रॉबर्ट एंड्रू, ANDREW, और वॉशिंगटन WASHING, वाशिंगटन। ये अगर हमें मेंबर में स्टोर करना है तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए। तो फिर से हम ये 20 कैरेक्टर्स का बना लेते हैं जल्दी से। इसको मान लीजिए ये हमने 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 4, 20, इसमें 4 कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, फिर ये हमने ऐसे कर दिया, ये 4 हो गया और फिर ये 4 हो गया। इसको आप काउंट करेंगे 20 कैरेक्टर्स हो जाएगा। अब जो मेंबर में हम ये स्टोर करेंगे तो क्या होगा, मेंबर में ये स्टोर करेंगे, देखिए रॉबर्ट हमने स्टोर किया तो ROBERT ये हो गया, फिर स्पेस दे के एंड्रू, तो ये स्पेस दे दिया हमने ANDREW ये हो गया, फिर स्पेस दे के वॉशिंगटन WASHIN। अब बाद के ये जो करेक्टर हैं ये ट्रंकेट हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से मेंबर नाम का जो 20 करेक्टर लेंथ की स्ट्रिंग है उसमें ये स्ट्रिंग ऐसे स्टोर होगा, ये स्ट्रिंग ऐसे स्टोर होगी। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स पसंद आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर इस पे कोई डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।